सत श्री अकाल जी, मैं हाँ हरजोत कौर, तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम खबर पड़ताल। साढ़े नाल जुड़े हुए ने सीनियर पत्रकार सुरेंद्र डल्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है डल्ला जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल हरजोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा वी, दुनिया भर के पंजाबियों का भी बहुत धन्यवाद। सो डल्ला जी, पंजाब विच सियासत जो है पूरी तरह गरमाई हुई है। सब तो पहला जो आप गल करिए, अकाली दल के उपर वे संकट छाए हुए हैं, एक एक करके आप खबर जरूर शामिल करनी है। गल आप प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल की भी करांगे, पर पहला बिक्रम मजीठिया लैके जिहड़ा हुण मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट वालों नोटिस जारी किया गया है, यह पूरा मामला जरूर पूरी जानकारी जिहड़ी है दर्शकों नाल सांझी करो। देखो, चरणजीत चन्नी हुणां दी सरकार वेले बिक्रम सिंह मजीठिया हुणां ते एक केस दर्ज किया गया सी NDPC एक्ट, NDPS एक्ट के तहत। उस तो बाद सरेंडर किया बिक्रम सिंह मजीठी ने, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने चोणों तो बाद सरेंडर करने लिए किया। चोणा खत्म हुई 2022 दियाँ, तुरंत चोणा खत्म होंदे ही बिक्रम मजीठी ने हाई कोर्ट के सरेंडर कर दिता। उस तो बाद जुडिशल कस्टडी रहे, पटियाला जेल के लंबा समा बिक्रम मजीठिया रहे, उन्होंने जमानत लाई गई, जमानत पर कई बार बहस हुई, उन्होंने जमानत मिली। पंजाब सरकार जदों जमानत मिली बिक्रम सिंह मजीठिया, तो अकाली दल वालों यह कहने की कोशिश की गई कि बिक्रम सिंह मजीठिया बेगुनाह ने, जिस तरह जमानत मिली है उस तरह वो केस चो बरी होंगे। और ये भी कहते रहे पोलीटिकल तौर पर अकाली दल के लीडर कि बिक्रम मजीठिया के खिलाफ यह केस झूठा दर्ज किया गया। हुण पंजाब सरकार ने इस मामले में बिक्रम मजीठिया जमानत मिलन के मामले में सुप्रीम कोर्ट च चैलेंज कर दिता, क्योंकि वह सरकार का अधिकार खेत्र है। हुण जदों सरकार ने सुप्रीम कोर्ट च चैलेंज किया होया, तो सुप्रीम कोर्ट च शुक्रवार को इस मामले सुनवाई हुई सरकार की एप्लीकेशन ते पटीशन ते, जिस दे विच सरकार वल्लों पंजाब सरकार नू रिप्रजेंट कर रहे सी बड़े मन्ने परमन्ने वकील ने, शाम दीवान वह पंजाब सरकार वल्लों रिप्रजेंट कर रहे सी। उन्होंने बहुत सारे पंजाब दे विच नशियां नाल जुड़े मुद्दे उभारे, उन्होंने पंजाब सरकार की नशियां दे खिलाफ लड़ाई प्रति चिंता जाहर की, और उन्होंने बिक्रम सिंह मजीठिया नू जिहड़ी जमानत मिली है उन्हूं चैलेंज करके रद्द करन दी मंग भी की। हुण इह इक बेंच है सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस अनिरुद्धा बोस वो इस बेंच नू हैड कर रहे सी। उन्हां ने दलीलां सुनन तो बाद बिक्रम मजीठिया नू हुण नोटिस जारी किया है। बिक्रम मजीठिया तो कई तरह के इस नोटिस दे विच सवाल पूछे गए ने। देखो, एक कानूनी प्रक्रिया भी है, जदों किसी भी मुलजम नू जमानत मिलती है हाई कोर्ट तो या लोअर कोर्ट तो, अगर उसकी जमानत के खिलाफ कोई पटीशन जाती है, जेडे तत्थ उस पटीशन च दसे जाते हैं, अदालत एक बारी मुलजम का पक्ष सुनती है। सो हुण बिक्रम मजीठिया, क्योंकि मुलजम बनाए गए ने इस केस, बिक्रम मजीठिया का पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मैनू लगता है जदों दोबारा यदि सुनवाई होनी है नवें सिरे तो, पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में हाई कोर्ट ने जी जमानत दी सी बिक्रम मजीठिया ने, उन्होंने चैलेंज किया। सो हुण इहदे ते नवें सिरे तो जिहड़ा हैगा इहदे ते अदालत फैसला कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, जदों बिक्रम मजीठिया अपना पक्ष रखणगे। और सुप्रीम कोर्ट की फैसला करती है ये अगली सुनवाई के उत्ते निर्भर करेगा हरजोत जी, सुप्रीम कोर्ट का पक्ष की रहिंदा है। पर इहदे नाल बिक्रम मजीठिया दीआं जिहड़ीआं चिंतावां ने वह काफ़ी ज़्यादा वध गईआं ने साफ तौर पर, क्योंकि हुण तक वह जमानत पर सी, और हुण उन्हां दी जमानत नू सुप्रीम कोर्ट एक बारी कानूनी नज़रिए तो फिर पड़तालू भी की उन्हां दी जमानत बरकरार रहे या उन्हां दी जमानत रद्द होवे, यह सुप्रीम कोर्ट का अधिकार खेत्र है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की दत्ती जमानत नू रद्द भी कर सकती है और उन्हें बहाल भी रख सकती है। सो हुण बिक्रम मजीठिया के जिहड़े वकील ने वो लगातार वो पूरे इस तैयारी दे विच ने कि जिहड़ा नोटिस आया सुप्रीम कोर्ट तो उहदा असीं जवाब देना है और असीं सारे वो पक्ष रखने हैं ताकि असीं सुप्रीम कोर्ट नू कन्विंस करिए, समझा सकीए सुप्रीम कोर्ट नू कि ये राजनीतिक दुश्मनी का केस है, ये पोलीटिकल वंडेटा का केस है। पहले दिन तो बिक्रम मजीठिया ये कह रहे हैं कि यह पोलीटिकल वंडेटा का केस है, और हाई कोर्ट के भी वो अपनी इस प्ली नू लैके गए सी। बाकी हुण अगली सुनवाई ते तय होएगा हरजोत जी कि की इस मामले दे विच गल अगे तुरदी है। जी बिल्कुल। सो आपा जो गल कर रहे हैं कि हुण अकाली दल दा असीं कह सकदे हां शायद चंगा समा नहीं चल रहा, क्योंकि हुण कोटकपुरा मामला विच भी जिहड़ा अकाली दल वल्लों ते भगवंत मान दी सरकार, इन्हां दे आपस विच कई इल्जामबाजियां भी चल रही ने, ते मैं इत्थे जरूर तुहाडे नाल जानना चाहूंगी तुहाडे तों, जो सुखबीर बादल अजकल इल्जाम लगा रहे ने पंजाब सरकार दे उपर, उस नूं किवें देखदे हो ते ओवरऑल किवें देखदे हो अकाली। देखो, तुसी बहुत अहम सवाल किया, बिक्रम मजीठिया भी मैं नाल जोड़ूंगा। हुण बिक्रम मजीठिया ने सुखबीर सिंह बादल होना दे उन्हां दे अंग्रेजी च कह दिना, बिक्रम मजीठिया ब्रदर इन लॉ ने,
सुखबीर सिंह बादल होना दे हरसिमरत बादल होना दे भरा ने सो एक तरह नाल बादल परिवार के परिवारक मैंबर बन गए। हुण प्रकाश सिंह बादल का भी नाम चलान च पै गया कोटकपुर वाले मामले, सुखबीर सिंह बादल का नाम भी चलान च पै गया। प्रकाश सिंह बादल नूं जमानत मिल गई, सुखबीर सिंह बादल नूं जमानत नहीं मिली। बहुत संभावना है सुखबीर सिंह बादल भी हुण हाई कोर्ट च जाणगे, हजे तक यह जानकारी नहीं है कि शुक्रवार को हाई कोर्ट च गए। अगर शुक्रवार को नहीं गए तो अदालत के किसी भी वर्किंग डे हाई कोर्ट के वो हाई कोर्ट के अगाऊं जमानत लिए जा सकते हैं। प्रकाश सिंह बादल नूं अगाऊं जमानत इंटरिम बेल मंजूर हुई है, वो मुचलका वगैरह भर के रूटीन च अपनी बेल हुण ग्रांट कराउणगे। हुण देखने वाली गल है 23 मार्च नूं कोटकपुरा मामले च सद्दे गए ने प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, बहुत सारे पुलिस मुलाजम। सुमेध सैणी की अगाऊं जमानत ते फैसला 20 तरीक नूं होना है। हालांकि उन्हां कोले पहला ब्लैंकट बेल सी, लेकिन मैनू लगता वो सिट दे नाल संबंधित पुछगिछ दे मामलों दे विच सी। अगर बाकी मामलों दे विच सी ते वो हुण अदालत जदों इंटरिम बेल लई जाणगे ते स्पष्ट हो जूगी स्थिति कि सचमुच उन्हां नूं इंटरिम बेल की जरूरत है। अगर उन्होंने अप्लाई की है सुमेध सैणी ने इंटरिम बेल, इहदा मतलब है कि वह कितने ना कितने चिंतित ने कि मैं भी इंटरिम बेल लैके ही अगाऊं जमानत लैके ही 23 तरीक नूं कोटकपुरे की अदालत च जावां। कोटकपुरा की अदालत का रुख की रहना है 23 मार्च नूं, यह उसे दिन तय होना है। पर जदों ये सारे मुलजम जिन्हां नूं बनाया गया चलान च मुलजम अगर ये अगाऊं जमानत लै रहे ने, हरजोत जी इहदा मतलब साफ है कि इन्हां दे दिल दे विच इक धड़कू है भी कितने सानू उस दिन अदालत गिरफ्तार ही ना कर ले, कितने सानू अदालत पुलिस कस्टडी च ना भेज दे कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन लई, कितने सानू अदालत जुडिशियल कस्टडी च ना सीधा भेज दे। इस करके इंटरिम अगाऊं जमानत मंग रहे ने। हुण फैसला तो देखो अदालतां ने करना है, पर क्योंकि ये पोलीटिकल लोग ने, ये लगातार पोलीटिकल बयानबाजियां चलदियां रहियां ने। पिछले 2017 दियां चोणां च कैप्टन अमरिंदर बयान दिंदा सी कि जे मेरी सरकार आ गई उधर हथ करके कि मैं उन्हां नूं अंदर दे दूं। प्रकाश सिंह बादल या सुखबीर बादल ते कैप्टन अमरिंदर ने तां कुछ नहीं कीता। उदों भगवंत मान साहब आम आदमी पार्टी वाले ये इल्जाम लाउंदे सी कि कैप्टन ते बादल मिले हुए ने, इस करके कैप्टन बादलां ते कार्रवाई नहीं करता, तो जे साडी सरकार आ गई तो असीं फैसला कर देंगे। हुण जदों आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, इन्ना लंबा समा इंसाफ मोर्चा चलिया, हुण कितें जाके चलान कुछ क दिन पहला पेश किया गया अदालत दे विच, उहदे च नाम आ गए। उस तो बाद लगातार सुखबीर बादल इल्जाम ला रहा है कि भगवंत मान की सरकार ने, भगवंत मान उन्हां ने सियासी बदलाखोरी दे लई साडा नाम पाता चलान च, असी बेकसूरे हाँ, सानू पोलीटिकल वेंडेटा का शिकार बनाया जा रहा है। हुण ये फैसला तो हजो जी अदालत ने करना है कि की सरकार ने पोलीटिकल वेंडेटा किया है, कि सरकार ने बदलाखोरी की है। पर मैं कल भी भगवंत मान उन्होंने बयान सुन रहा, भगवंत मान कहते हाई कोर्ट ने सिट बनाई सी, सिट ने अपना चलान पेश किया, साडा तो कोई दखल ही नहीं। सुखबीर बादल कह रहा है कि सिट नूं हुक्म होए सी हाई कोर्ट तो कि तुसी सरकार तो कोई आदेश नहीं लैना। सुखबीर बादल कह रहा है कि सिट ने सरकार दियां आम आदमी पार्टी के लीडर दियां हदायतों से चलान बना के पेश किया। भगवंत मान कहिंदा साडा तां कोई दखल ही नहीं, इह तां सिट ने अपने पद्धर ते काम कीता है। हुण इह सारे इल्जाम एक दूजे ते जिहड़ियां इल्जाम तराशियां ने, इहदा फैसला होणा अदालत च। हुण दो तरह का मामला देखूंगा, रब सुख रखे कानून मुताबक साडे मुल्क च काम होण। अदालतां ते सानूं बहुत ज़्यादा भरोसा है, अदालतां निरपक्षता दे नाल काम करदियां ने, असीं इह मन के अगे वधदे हां। हुण जे तां अदालतां जमानत दे दिंदियां ने सुखबीर बादल नूं, प्रकाश बादल नूं, सारयां नूं जमानत दे दिंदियां ने, फिर तां इह पेशी दर पेशी मामला अगे वधना है। फिर तां इह आउण वाले दिनां च, क्योंकि संगरूर दी जलंधर दी चोण है, आउण वाले दिनां च 2024 दीआं तैयारियां ने, अकाली दल ने अपना संगठन वड्डा करना है। फिर तां सुखबीर बादल नाले कचहरियां च पेशी भुगतणगे इस मामले की, कोटकपुरा मामले की, और नाले उह अपनी पोलीटिकल गतिविधि नूं अगे वधाणगे बतौर प्रधान। इसी तरह बिक्रम मजीठिया, जे तो बिक्रम मजीठिए की जिहड़ी हाई कोर्ट की जमानत है उन्हें बरकरार रख्या सुप्रीम कोर्ट ने, फिर तो बिक्रम मजीठिया भी इस तरह सरगर्म रहेंगे, पोलीटिकल तौर पर भगवंत मान को चैलेंज करेंगे, अपनी पार्टी का चोन प्रचार करेंगे। पर अगर जे असी मन लईए, असी इस करके मन सकते हैं, अनुमान ला सकते हैं, क्योंकि मामले अदालतों च है। हुण जे किसी गरीब के पुत ते केस हुंदा, जे कोई गरीब का पुत हुंदा हरजोत जी, तो फिर पुलिस ने जिद्दां ही FIR दर्ज करनी सी गिरफ़्तार कर लेनी सी, क्योंकि ये वड्डे लीडर ने, वड्डे पुलिस अफसर ने,
इस करके अदालत ही चलान दिता, पुलिस ने किसी गिरफ़्तार करने की कोशिश नहीं की। पुलिस चाहती तो इन्हों गिरफ़्तार भी कर सकती सी, पर चलो सरकार के फैसले ने। पर जे अदालतों ने इन्हों जेल भेजता सुखबीर बादल नू, पुलिस अफसर, अगर बिक्रम जीठिए की जमानत रद्द हो गई उन्होंने दोबारा जेल जाना पैना। सो अगर ये हालात बन गए पंजाब तो फिर अकाली दल लई सब तो वड्डा संकट होगा। प्रकाश सिंह बादल उन्होंने तो जमानत मिल गई, इंटरिम बेल मिली है, अगाऊ जमानत, पक्की बेल हजे उन्होंने नहीं मिली, वो अदालत पर निर्भर करती है। पर अगर बादल परिवार के दो वड्डे लीडर सुखबीर बादल बिक्रम मजीठिया अगर अदालतों के फैसलों किते जुडिशल रिमांड पर चले गए तो फिर पंजाब अकाली सियासत बहुत वड्डी तरथली मच जानी है। और अकाली दल का की बनूगा 2024 जलंधर जिमनी चोण। हरजोत जी, मैं जदों मैं सोचदा तो बहुत वड्डा पोलीटिकल उल्टफेर हो सकता है। जदों अकाली दल, जे अकाली दल का प्रधान जुडिशल कस्टडी चला गया, क्योंकि पहले ही सानू पता है कि अकाली दल च बागी सुरां किन्नी है। अकाली दल च बहुत सारे लोग ने जिहड़े कहिंदे ने लीडरशिप बदलीए, बहुत सारे अकाली दल चों लीडर पिछले समय च वक्त कर दिते गए। उन्हां दी कोशिश है असीं सुखबीर बादल तो सियासी बदला लईए। गुप्त मीटिंगां शुरू हो गई, टैलीफोनिक मीटिंगां शुरू हो गई विरोधी लीडरां दीआं, वी जे जुडिशल कस्टडी होगी सुखबीर बादल नूं, जे बिक्रम मजीठिए की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करती तो असीं कहिड़ी रणनीति ते अगे वधना। मैनू संकेत ये ने, मेरा अनुमान ये है, मैनू किसी ने दस्या नहीं, मेरा अनुमान है, क्योंकि पोलिटिकल पॉलिटिक्स इस तरह अगे वधदी है। सो अगर अकाली दल के वड्डे लीडर जुडिशल कस्टडी चल गए, अकाली दल दे विच मुड़ तो एक खला की स्थिति पैदा हो सकती है। और जे अकाली दल च खला की स्थिति बन गई तो अकाली दल टुट भी सकता, मैं ये कह सकता। तुसी देखो ओम प्रकाश चौटाला किन्ने वड्डे लीडर सीगे हरियाणा दे विच, उन्होंने किन्ना लंबा समा जेल च रहना पिया, उन्होंने एक बेटे उन्होंने भी जेल च रहना पिया, बाद दे विच उन्हां दी पार्टी टुट गई, परिवार टुट गया। सी देखो चौटाला परिवार टुट के दो पार्टियां बन गईं, तो अज उत्थे स्थितियां की ने। इस करके पंजाब च अकाली दल देखो बड़ी पुरानी पार्टी है, शहीदां दी पार्टी है, 1920 तो बनी हुई पार्टी है। मैं ये तो नहीं कहता भी अकाली दल टुट जाए, पर मैं ये कहना कि बहुत सारे लीडर ने जिहड़े अपने अपने तरह नाल अकाली दल दे नाल अगे वध रहे ने। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अकाली दल ते परिवार का कब्जा है, वह कहिंदे असीं परिवार तो मुक्त करवाउणा अकाली दल। बहुत सारे लीडर कहिंदे भी अकाली दल अपने असल उद्देश तो भटक गया। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने पिछे जे कहता कि अकाली दल सरमाएदारां दी पार्टी नहीं सी, अकाली दल तो किसानां ते मजदूरां दी पार्टी है। सो अकाली दल की होंद नूं लैके कई तरह के विचार इस वक्त चर्चा दे विच ने, और हर व्यक्ति अपने विचार मुताबक अकाली दल नूं सुधारना चाहुंदा है। सो जे अकाली दल का प्रधान कितने जुडिशल कस्टडी चलिया गया, बिक्रम मजीठिया साहब की जमानत जे कि रद्द होगी, अकाली दल च कोई बहुत वड्डा हेठ उत तरथली मच सकती है। मैनू लगता क्योंकि सियासत इस तरह साढ़े सूबे की अगे वधदी है। बाकी रब सुख रखे, जो होवे पंजाब लई चंगा होवे। जी बिल्कुल, तुसीं सही कहे। सो आने वाले समय से भी सब दीआं नज़रां बणीआं होईआं ने कि हुंदा किवें हुंदा। बाकी जलंधर जिमनी चोण नूं लैके भी जरूर तुहाडे तों बाद च अपडेट चाहांगे, पर पहलां अगर आपां आम आदमी पार्टी की सरकार की गल कर लईए तां एक साल पूरा होने नूं बड़े वधिया ढंग नाल प्रचारिया जा रहा है। सो इसनूं तुसीं कीवें देखदे हो, क्योंकि एक साल पूरा होया, इसनूं एक तरीके नाल प्रचार अभियान बना दिता गया। जिहड़े आम आदमी पार्टी दे जिहड़ी सरकार दे मंत्री ने, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे, हरपाल चीमा की गल कर लीए, अनमोल गगन मान की गल करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने कीतियां ने। सो कीवें देखदे हो एक साल के उपर जिस तरीके नाल प्रचार किया जा रहा? देखो आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है कि असी लोगों नूं यह जता दिए कि साडा एक साल बहुत वड्डे बदलाव आ रहा। हालांकि कोई बहुत वड्डा बदलाव नहीं एक साल च होया हरजोत जी, साधारण तौर दे उत्ते आम आदमी पार्टी ने सरकार चलाई है। हाँ, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, बहुत सारे पुराने कांग्रेस के लीडर, कल भी मैनू पता लग्या ब्रह्म महिंद्रा साहब पेश होकर आए ने विजिलेंस ब्यूरो अगे। ब्रह्म महिंद्रा जी ने की किया ये भी असी सुनाने। दलबीर गोल्डी भी एक दिन कहिंदे विजिलेंस ब्यूरो ने उन्हां नूं भी सद्या। दलबीर गोल्डी ते भगवंत मान का बयान भी आ गया कि असी किसे ते बदलाखोरी नहीं कर रहे, विजिलेंस आज़ादी नाल काम कर रही है, विजिलेंस सच नूं सच दे तौर ते देख रही है। सो किसी नूं घबराउण दी लोड़ नहीं, किसी नाल नजायज़ नहीं की जाऊगी, ये भी भगवंत मान ने दलील दित्ती। हरजोत जी कहिंदे मैं 10 साल MP रहा करीब, मेरे खिलाफ़ भी इन्होंने बहुत कुछ लभण की कोशिश की होनी है अकाली वालिया ने, भाजपा वालिया ने, कहिंदे पर मेरा कुछ नहीं कर सके क्योंकि मैं साफ सी। गल बिल्कुल ठीक है, जे कोई व्यक्ति बिल्कुल साफ होवे
ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣਾ ਦੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਸਾਂ ਕੂਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣਗੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਬਦਲਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਈਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਛਾਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, 27,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਧਾਤਾ, 117 ਸਕੂਲ ਬਣਾਤੇ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ 117 ਯੋਜਨਾ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 117 ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 117 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੀ, ਲੈ ਲਓ ਦਾਖਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਲੱਖ ਦਾਖਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਯੋਗੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦਾ, ਯੋਗੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣ ਯੋਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 117 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ 20% ਸਮਾਂ ਗਿਆ, 80% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਜਵਾਕ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੋਰੀ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੁਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗੀ ਤੁਰੂਗੀ। 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਨਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੂਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜੂਗੀ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਤਾ, 36,000 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ। ਉਂਝ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜਿਆ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜਿਆ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਮੋੜਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਮੋੜਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੋੜਨਗੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮੋੜਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋੜਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚੰਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ 100 ਚੋਂ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, 100 ਚੋਂ 10 ਚੋਂ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ। ਸੋ 10 ਚੋਂ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਸੋ 10 ਚੋਂ 7-8 ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ 5 ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲੂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲਿਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪਰ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ।
27,000 दे जिहड़ियां तकरीबन नौकरियां सीएम साहब ने उन्हां नूं जिहड़े नियुक्ति पत्र दित्ते ने, बहुत सारियां होर अगे आ रहियां ने। सो इह बहुत वड्डी गल आ कि पहले साल दे विच जिथे साढ़े कोल सारा सिस्टम उलझा के दिता गया, ताणा बाणा उलझा के दिता गया, हर वार जिहड़ियां पिछलियां सरकारां सी ओह खजाने नूं खाली कहिंदियां सी, ते साड़ी सरकार ने साफ नीत इमानदारी नाल, क्योंकि लोगों की अपनी सरकार सी, अपने धी पुत उन्होंने विधानसभा बिठाए, तो सारे की जिहड़ी सहयोग दे नाल सारे MLA साहबान, मंत्री साहबान, तो CM साहब की एक योग अगवाई दे विच असी 27,000 जिहड़ियां तकरीबन नौकरियां जिहड़ियां उह प्रदान कीतियां ने। फिर उस तो बाद जिस तरीके दिल्ली दे विच मोहल्ला क्लीनिक दुनिया पद्धर च मशहूर होए कि ये एक नवा कंसैप्ट आ, मोहल्ला क्लीनिक बनाए गए जिथे लोगों नूं बेसिक जिहड़ियां सहूलतां दवाइयां मुफ्त मिलदियां सी, उस तर्ज उत्ते पंजाब दे विच आम आदमी क्लीनिक खोले गए, 500 तो ज़्यादा जिहड़े क्लीनिक आ उह बनाए गए आ, जिहदे च 10 लाख दे तकरीबन लोगों ने सहूलत ली है। 10 लाख पहले साल च इन्हें मोहल्ला क्लीनिक खोलने, तो 10 लाख लोगों नूं सहूलत देनी मेरे ख्याल च एक सरकार की चंगी उपलब्धि है, कम्मां दी शुरुआत कर दित्ती है, इहनूं अग्गे असीं होर लैके जावांगे, ज्यों ज्यों रेवन्यू कलैक्शन वधावांगे सरकार दा, इह जिहड़ा सारा उलझिया होया ताणा बाणा ठीक करांगे, करप्शन बिल्कुल सिस्टम दे विच्चों कढ़ी जाणी है, ते रेवन्यू वी वध जाणा, ते जिहड़ियां सहूलतां ने उह होर ज़्यादा जिहड़ियां लोकां नूं दित्तियां जा सकदियां। देखो गल इह है, मैं 1980 च MLA पहली बार बनिया सी और मैं 6 टर्म दा MLA आं, और 6 टर्मां च बंदा ग्लास हाउस च रहिंदा, ओपन हुंदा सारा कुछ, सो ला अबाइडिंग सिटीजन है। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਵਾਰ ਦਾ MLA ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਲਾ ਮੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ MLA ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾ ਕਿਉਂ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਲਦ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਆਊਂਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਡੱਲਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਕਦੇ? ਦੇਖੋ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਬਰ ਚਲਾਈ, DGP ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ CRPF ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਾਰਡ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੈਮਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਫਿਰ TV'ਆਂ 'ਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ TV'ਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲਏ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕਰੋ ਚੈਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਹ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਕਲੇ। ਚਲੋ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੋ ਗੈਰਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, DGP ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
जेलां सुधार कर होनी चाहिए ने और उत्थे चंगीयां सहूलतां भी साडे नागरिकां नूं मिलनियां चाहिए ने। मैनूं पता लग्या कि रोटी भी उन्हां नूं म्यारी नहीं मिलती, सो जे पंजाब दियां जेलां च साडे कैदियां नूं रोटी म्यारी नहीं मिलती तो फिर मैनूं लगता सरकार नूं इस पासे भी ध्यान देना चाहिए। भगवंत मान साहब नूं वी आई पी कल्चर खत्म करता चंगी गल है, पर उन्हां नूं चंगा भोजन भी साडियां जेलां च दिओ जिहड़ा नहीं मिल रहा। रोटी कपड़ा मकान कहिंदे बुनियादी सहूलतां हुंदियां ने, सो चलो जेल मकान तो हैगी है पर उत्थे रोटी कपड़ा भी उन्होंने भाई चंगा दिया करो, ता ही तुहाडी सरकार चंगे बदलाव ही बनूगी। हुण ये तो गल होगी इन्नी क हुण, हजे तक सरकार नूं ये नहीं समझ आ रहा भी इंटरव्यू कित्थे हुई सी, इंक्वायरी चल रही है इहदी, सो इंक्वायरी चल रही है, बाकी देखदे हां जी ये इंटरव्यू कित्थे हुई सी, क्योंकि इहदा पता तो लगना चाहिए ना भी की सचमुच पंजाब की जेल च इंटरव्यू हुई है, कितने रस्ते च उहदी इंटरव्यू हुई है जिहड़ा वो मुंडा लारेंस बिश्नोई सी, या किसी होर राजस्थान की जेल च इंटरव्यू हुई है, पता लग जाए, क्योंकि जो पंजाब की जेल च इंटरव्यू हुई है तो बदनामी बड़ी होनी है पंजाब की, भी पंजाब की जेलों चो इंटरव्यू भी हो जाए, बड़ी हैरानी वाली गल है जी। हजे तक मैं कारां कूरां च तां सुनिया सी कि पत्रकार कारां कूरां च इंटरव्यू कर जाते हैं लीडर की, पर जेल च इंटरव्यू हो जाए यह बड़ी हैरानी वाली गल है, ये गल बर्दाश्त जे नहीं होंगी। हुण अखीर च जाते जाते ये हरजोत जी मैं एक होर गबर साझी करदा, मनीष सिसोदिया उन्हां दी जिहड़ी रिमांड है पुलिस रिमांड है ईडी दी रिमांड है उन्हूं होर 7 दिन लई वधा दिता गया, सो हुण ईडी उन्हां तों पुछगिछ कर रही है, उन्हां नूं अदालत च पेश कीता गया सी, सो बाकी वेखदे आं। मनीष सिसोदिया बारे आम आदमी पार्टी वाले कहिंदे ने कि वह बिल्कुल निर्दोष ने, मैं ट्वीट देख रहा सी अरविंद केजरीवाल जी का मीडिया च आ रहा सी, मीडिया कहिंदा अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया कि बीजेपी जाण बुझ के धक्का कर रही है मनीष सिसोदिया उन्हां नाल, उन्होंने केस च केस पाया जा रहा उन्होंने ता कि उन्होंने जेल च रखा जा सके, इस करके झूठे केस बनाए जा रहे हैं। वो कहते बीजेपी साढ़े लीडर जेल च रखना चाहती आप वाले कहें, हूँ जे बीजेपी आम आदमी पार्टी वाले जाण बुझ के जेल च रखना चाहती है बड़ी माड़ी गल है जी, तो फिर यदि असी निंदा करते हैं जे बीजेपी जाण बुझ के आम आदमी पार्टी वाले जेल च रखनी चाहती है। पर दूजे पास ये भी एक सवाल है भगवंत मान साहब न भी आम आदमी पार्टी भी कि नवजोत सिंह सिद्धू की तो सज़ा 26 जनवरी को मुकम्मल बन गई सी, वो तो फाइल भगवंत मान साहब को चल गई सी, हुण जे भगवंत मान साहब अरविंद केजरीवाल साहब एक जेनुअन तरीके दे नाल गई फाइल नू दब के रखणगे, फाइल ते फैसला ही नहीं करनगे ते फिर बीजेपी नू असी की कहीए भाई, फिर तो जिहो जिहा काम बीजेपी कर रही है उहो जिहा जाने अणजाने च तुसीं कर रहे हो, हजे भी वेला हजे भी वेला, कहिंदे नवजोत सिंह सिद्धू हजे भी कानूनी तौर पर एलिजिबल ने, उन्होंने कहिंदे कोई छुट्टी नहीं ली, 20 मई नूं सरेंडर किया, एक दिन शायद उन्होंने पहला इस जेल च इस जेल का इस सज़ा के तहत पुलिस कस्टडी जेल की कस्टडी कटिया एक दिन जो उन्होंने सरेंडर किया। हुण कहिंदे कानूनी तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू का हक बनता है किसी वेले भी उन्होंने रिहाई हो सकती है क्योंकि उन्होंने चाल चलन चंगा, उन्होंने आचरण चंगा, उन्होंने पेरोल नहीं लिया, उन्होंने छुट्टी नहीं ली। यह जे मौके मैं नहीं कहता कि भगवंत मान साहब या अरविंद केजरीवाल जी नवजोत सिंह सिद्धू नूं रिहा कर देन, ना नवजोत सिंह सिद्धू ने मंग की है कि मैनू वक्त तो पहला रिहा करो, पर जिहड़ा कानूनन किसी का हक बनता है वह सरकार आप विचारे। हुण जदों मनीष सिसोदिया जी बारे ये लगातार किया जा रहा कि बीजेपी जाण बुझ के उन्होंने अंदर रखना चाहती है, फिर लोगों से तो यह भी सवाल है चर्चा है भी कितने आम आदमी पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू को जाण बुझ के अंदर तो नहीं रखना चाहती। हुण इस सवाल का जवाब तो आम आदमी पार्टी दे सकती है भाई, भी तुसी किन्ने क ईमानदार हो, किन्ने क सच्चे हो नवजोत सिंह सिद्धू के मामले चो, या नवजोत सिंह सिद्धू तो तुहानू किसी तरह का कोई पोलीटिकल खौफ है, ये तो रब जानता है जी। बाकी किन्नी क देर कोई किसी अंदर रख लूगा, जदों सजावां पूरियां हो ही जाणियां ने तो व्यक्ति ने तो बाहर आ ही जाना है, ना तुसी हमेशा लिए किसी बाहर रख सकते हो रब की मर्जी बिना, ना किसी रब की मर्जी बिना अंदर रख सकते हो, इस करके बहुत सारिया गल्ला रब के हाथ होंगे तो कहते जो रब फैसला करता उदो पता भी नहीं लगता जी। डला जी जाते जाते जरूर मैं सवाल एक होर करना चाहूँगी, जो माही गिल ने मुलाकात की है तरुण चुग के नाल, उस उपर की अपडेट है? देखो माही गिल पंजाबी फिल्मों के कलाकार ने, हिंदी फिल्मों के भी कलाकार ने, मैं भी उन्होंने एक कॉमेडी फिल्म देखी सी, बहुत चंगी कॉमेडी उस फिल्म से। देखो पंजाबी फिल्मां पिछले समय के बहुत शानदार बनिया, आ हुण कोविड तो बाद फिर पंजाबी फिल्मों का रुझान मैनू लगता थोड़ा जा घटिया, पर बन जाणगियां मैनू लगता पंजाबी फिल्मां। सिद्धू मूसेवाले का जदों दुनिया तो गया उदों बड़ा रौला पिया, कहिंदे जी पंजाबी फिल्मों के चैक करो किते दो नंबर का पैसा तो नहीं लगता, ये भी जरूर सरकारां नूं चैक कर लेना चाहिए। उंज बीबी माही गिल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली सी, ते वो मिले उत्थे तरुण चुग नूं, बड़े सीनियर लीडर ने भारतीय जनता पार्टी के कौमी सकत्तर ने,
ਤੇ ਮਾਹੀ ਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ 24 ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਮਾਹੀ ਗਿੱਲ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਮਾਹੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸ਼ੌਕ ਟੂ ਮੀ। ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਆਫ ਪੋਸਟ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਡ, ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਇੰਨਾ ਹੱਸਦੇ ਹਸਾਉਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਸਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਫੇਸ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਮੀ ਰਿਊਮਰਸ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਡੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।